फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आज मैं बात करने वाली हूँ छोटे बच्चों को डाबर जन्म घुट्टी हम कब से दे सकते हैं। देखिए, आप सबको पता है बड़े जो बुजुर्ग होते हैं ना, दादी नानी, बच्चों को जन्म घुट्टी बहुत पिलाती थी। क्यों पिलाती थी? बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, उनके पेट में दर्द होता है तब भी नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ रोएंगे। ठीक है, गैस बनी होती है तब भी बच्चे रोएंगे, पेट साफ नहीं होता, पॉटी नहीं करते, कब्ज हो जाती है, चार चार दिन बच्चे पॉटी नहीं करते, वो तब भी रोएंगे क्योंकि पेट में ऐठन बनी रहती है और पेट में पेन होता है जो कि वो बोल नहीं सकते, वो रोते हैं। तब क्या करना है? जब बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या करें, तब आप जन्म घुट्टी बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, अब बच्चा बहुत दिन से, 3 दिन हो चुके हैं, पॉटी उसने नहीं करी है, आपको टेंशन हो रही है बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, कहीं इसे कब्ज ना हो जाए और ये कल को रोए ना, तो मैं क्या करूं, तब भी आप जन्म घुट्टी बच्चे को दे सकते हो। बच्चे के गैस बन रही है, पेट बहुत ज्यादा टाइट टाइट लग रहा है, थोड़ा सा वो करवट लेता है बच्चा तो रोता है, तब भी आपको जन्म घुट्टी देनी चाहिए क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक चीजों से बनी होती है। जो घर की चीजें होती है ना, किचन की, सभी वो चीजें उसमें ऐड होती हैं जो कि बच्चे का पेट साफ कर देती हैं। आपको पता होना चाहिए लेकिन इसे देना कैसे है और कितने महीने का बच्चा है और कितनी क्वांटिटी में देना जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 1 से लेकर 3 महीने का है तो आप बच्चे को 1 ml जन्म घुट्टी दे सकते हो। अब किस तरीके से देना है, आपने आपने पानी को गर्म कर लेना है, जब पानी गर्म, उबाल लेना है, मतलब पानी साफ होना चाहिए क्योंकि हम छोटे बच्चों को 6 महीने तक कुछ भी नहीं देते ऊपर का, ऊपर का इन द सेंस फीड देते हैं सिर्फ माँ का, उसके अलावा हम कुछ नहीं देते, बट बच्चे का पेट साफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा दूध पीता है और बच्चे को अगर कब्ज हो जाती है तो कब्ज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, बच्चे का पेट दर्द होता है लगातार, बच्चा रोता है, सो भी नहीं पाता और उस टाइम पे मम्मा बहुत ज्यादा टेंशन लेती है कि ये क्या हो गया। तो अगर आपका बेबी 1 से लेकर 3 महीने का है तो पानी को पहले उबाल लीजिए, पानी जब ठंडा हो जाए तो एक ml, एक ड्रॉपर मिलता है छोटी बेबी को पिलाने के लिए ना, ड्रॉपर मिलता है, वो एक पूरा भर के 1 ml होता है, तो 1 ml आप उसे ड्रॉपर बच्चे को दे सकते हैं। 1 ml यानी कि 10 बूंदे, 10 बूंदे आप बच्चे को जन्म घुट्टी पानी में ऐड करके दे सकते हो। बच्चे का पेट भी साफ हो जाएगा, गैस भी नहीं बनेगी, बच्चा रोएगा भी नहीं, कंफर्टेबल सोएगा। आपका बच्चा अगर 4 महीने से लेकर 6 महीने का है तो आप बच्चे को 1.5 ml दे सकते हो। 1.5 ml इन द सेंस कि जो ड्रॉपर होगा 1 ml हो गया और आधा ml वो 1.5 ml हो गया, वो आप दे सकते हो। पानी को उबाल लीजिए, सेम प्रोसेस वही है, पानी को उबाल के ठंडा कर लीजिए और उसके बाद बच्चे को दे सकते हो। इससे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हानि नहीं है, बच्चे का देखिए पेट साफ होगा, पेट साफ होगा तो बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा भूख लगेगी तो बच्चा ऑब्वियसली बात है दूध पिएगा और आराम से सो जाएगा, और इससे बेबी का जो कहते हैं ना डाइजेशन सिस्टम वो भी स्ट्रांग होता है। तो हमारे भी पेरेंट्स ने हम सबको पिलाया है, आप सबको भी पिलाया होगा, सबको पता है ये सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो कि बच्चे को हार्म करे। तो अगर आप देना चाहते हो और आपका बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, रात में सो नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं उसे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट साफ नहीं होता, पेट में दर्द मरोड़े रहती है, तो बच्चा बोल नहीं पाता छोटा बच्चा, तो आप बच्चे को जन्म घुट्टी देना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है यानी कि साल का है, 1.5 साल का है, तो बहुत सारी महिलाओं बोलती है कि मेरे बच्चे को कब्ज रहती है, पेट में दर्द रहता है, तो मैम क्या करें, हम जन्म घुट्टी दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप जन्म घुट्टी दे सकते हो, बट क्वांटिटी में उसको थोड़ा ज्यादा देना है। जैसे अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो आपने 5 ml उसको देना है, जो दवाइयों का ढक्कन होता है उसमें लिखा होता है 5 ml, 2.5 ml आप दे सकते हो। ठीक है, एक ढक्कन आप बच्चे छोटा चम्मच यानी जिसे बोला जाता है 1 चम्मच, छोटा चम्मच वो लेना है, वो आप बच्चे को पिला दीजिए। पानी को बस वही उबाल के ठंडा करके पानी साफ देना है बच्चे को, फिल्टर वाला पानी हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आप उस पानी से बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चे को कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट रोज साफ नहीं होता तो पेट रोज साफ होना शुरू हो जाएगा, गैस भी नहीं बनेगी तो पेट भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हम बच्चे को जन्म घुट्टी कब से दे सकते हैं। तो आप बच्चे को स्टार्टिंग से दे सकते हो जन्म घुट्टी, बट आपको प्रोसीजर पता हो कि कैसे देना है। छोटा बेबी है तो उसको 1 ml देना यानी कि 10 बूंदे। ठीक है, पानी को उबाल के ठंडा करने के बाद बच्चे को आप पिलाइए, बच्चे का पेट साफ होगा, बच्चा कंफर्टेबली सोएगा, उसको पेट में दर्द ऐठन नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना हो सके इस वीडियो को ना जो भी न्यू मदर हैं या फिर जो बच्चे के छोटे बेबी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मतलब इसके बेनिफिट का पता लग सके कि हमें जन्म घुट्टी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई महिलाओं को पता नहीं होता कि जन्म घुट्टी के क्या फायदे हैं। इसके बहुत फायदे हैं, पेट में कोई दिक्कतें नहीं होगी, डाइजेशन सिस्टम बच्चे का स्ट्रांग होगा, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बच्चा भूख लगेगी और वो खाएगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा पीता नहीं है। मैं उनकी मम्मा की बात करूं जिनके बच्चे 6 महीने से बड़े हैं, 6 महीने तक तो बच्चों को सिर्फ माँ का ही फीड देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके न्यू मदर के साथ या फिर जिनके 2 बच्चे हैं सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बी टेक केयर, बाय।